नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं भेल स्टॉक के बारे में, जहां इसके ब्रेकिंग न्यूज को देखेंगे और साथ में ही एनालाइज करेंगे कि टेक्निकल ये स्टॉक इस समय कैसा लग रहा है, जिससे कि आपको पता चलेगा इस समय होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट। तो टेक्निकल डिस्कस करने से पहले हम ब्रेकिंग न्यूज को देखेंगे। तो पहला ब्रेकिंग न्यूज ये था कल के दिनों में कि गोवा शिपयार्ड से कंपनी को ऑर्डर मिली है, जिसके बाद शानदार तेजी दिखी थी। और आज का न्यूज ये रहा है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो 150 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। लगातार दो अच्छे न्यूज के बाद इस स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो इस स्टॉक को लेकर के देखा होगा तो आपको मैंने कहा था कि इस स्टॉक को होल्ड करना है। तो ये जो स्टॉक है भेल, ये आत्मनिर्भर भारत के योगदान में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस स्टॉक का। तो पर्सनली जो मुझे लगता है इस स्टॉक को लेकर के कि लॉन्ग वे टू गो, मतलब कि ये है कि इस स्टॉक का सफर बहुत लंबा है। शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में भी इस स्टॉक के अंदर बन सकते हैं, जहां अपने कुल जितना भी कैपिटल है उसका 2-3% इस स्टॉक के अंदर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। पहले जहां हमने देखा था कि 52-53 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद लगातार तेजी आई और इस समय 63-64 के प्राइस पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इसका वॉल्यूम लगभग 10 करोड़ के आसपास का है। टेक्निकल ये डबल बॉटम ट्रेंड को बना रही है और मेरा पर्सनली मानना है कि जो 79-80 के आसपास का 52 वीक हाई है उसको बहुत जल्द क्रॉस करते हुए दिखेगी। लेकिन साथ में ध्यान रखें कि ये स्टॉक थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है इस समय पे, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है। फिर भी पोजीशन लाइट ही रखें, ज्यादा हैवी पोजीशन ना ले जिससे कि आप स्टक हो जाएं, और इतना पोजीशन जरूर रखें जिसको कि 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा रिस्क और रिवार्ड मिल सकता है, जहां इस समय ये स्टॉक 63-64 पे ट्रेड कर रही है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 58 के स्टॉप लॉस को फॉलो करें और टारगेट जो होगा वो 85+ का टारगेट अगले 4-5 महीने में इस स्टॉक के अंदर दिख सकता है। नमस्कार।